तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, हमारे कॉलेज के छात्र अभी बच्चों को समझा रहे हैं, टेक्निकल क्षेत्र के बारे में जानकारी दे रहे हैं, मशीनों से रूबरू करा रहे हैं, और उनकी जानकारी जो दे रहे हैं हमारे कॉलेज के खुद छात्र दे रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से छात्राएं और छात्र अपनी नॉलेज यानी इस क्षेत्र की नॉलेज को प्राप्त कर रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं। तो आगे इनको और भी सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि मशीनों को किस तरीके से वर्क किया जाता है, किस तरीके से मशीनों को कार्य किया जाता है, ये मशीनें किस तरीके से वर्क करती हैं, क्या इनका उपयोग है, किस तरीके की जॉब बनाती हैं। तो ये बच्चे के द्वारा बताया जा रहा है अभी, और साथ में उनके और छात्र भी, उनके सहयोगी छात्र भी यहाँ पे खड़े हैं साथ में, जो कि आगे भी जानकारी देंगे। कोई भी पार्ट तुम बना रहे हो, ये कह रहे हैं पूरा यहाँ से इसमें स्क्रू लगा हुआ था, इसमें निकालना है, जो होता है चाक में कोई भी जो होल्ड करते हैं। देखिए यहाँ पर मशीन ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है, और ये मशीन किस तरीके से आगे पीछे मूव कर रही है, और ये किस तरीके से जॉब को अच्छी तरीके से वर्क करके जॉब को एक तैयार करेगी, वो इस मशीन के द्वारा दिखाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे एक जॉब फिट किया गया है, और वो उस मशीन के ऊपर से आगे उसको जा रही है, ताकि पता लगे कि किस तरीके से काम हो रहा है। साथ ही बच्चों को और छात्राओं को देखिए यहाँ पे जो आपके कारपेंटर शॉप में जो वर्क होता है, किस तरीके से कार्य किया जाता है, कटिंग और इसकी जो सेफ है किस तरीके से तैयार किया जाता है, वो छात्रों को बताया जा रहा है। और छात्राएं कुछ सवाल भी पूछ रही हैं जो उनके मन में है, तो उनको पूरा सेटिस्फेक्शन हम यहाँ पे छात्रों के द्वारा दिया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे पॉलिटेक्निक किया जाता है, क्या इसकी ब्रांचेज होती हैं, किस तरीके की ब्रांचेज होती हैं, क्या कार्य होते हैं यहाँ पे, किस तरीके से पढ़ाई होती है, वो सब उनके बारे में भी अवगत कराया जा रहा है जो हमारे यहाँ के छात्र दे रहे हैं। तो छात्राएँ भी काफ़ी खुश हैं और पूरी जानकारियों को अच्छे से प्राप्त कर रही हैं, और अच्छे से सुन रही हैं उन चीज़ों को, और पूछ भी रही हैं सवाल अगर उनके कोई मन में हो तो। साथ ही यहाँ पे देखिए अभी, और यहाँ पे देखिए छात्रों को बताया जा रहा है कि वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है, किस किस वेल्डिंग में किस चीज़ का यूज किया जाता है, और ये टेस्टिंग करके दिखाई है यहाँ पे अभी। और किस मेटल में किस प्रकार की वेल्डिंग की जाती है, सब अलग 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 टाइप की वेल्डिंग, जैसे आर्क वेल्डिंग हो गई, स्पॉट वेल्डिंग है, बस इसमें स्पॉट वेल्डिंग जो होती है हमें चादर वादर पे इस्तेमाल की जाती है, एक के ऊपर एक रख के जुड़ती है, इसमें हमारे पास जो साइड पर दो पीस ऐसे रखेंगे तो ऐसे जुड़ेगी, बट तो इसके बीच में वेल्डिंग होगा जुड़ेगी, इसमें काम, इसमें एल्युमिनियम का काम होता है, जो सारा एल्युमिनियम उसमें रख के पिघलाया जाता है, जो ये चीज है, ये एल्युमिनियम है, जो इसकी रॉडें बनती हैं, इससे हम कुछ भी मटेरियल कुछ भी बना सकते हैं, जैसे हमने वो दिखाया था ना आपको, उसमें लकड़ी में जो त्रिशूल बना था वो सब पे, उन सबको यहाँ पहले ऐसी जो ग्रीन साइड में इसमें उसको छाप ले लेता अच्छे से, उसका छाप लेने का इसको जब पिघल जाता पूरा, तो यहाँ पे ये जो शॉप है काफी, मतलब यहाँ पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों का, क्योंकि यहाँ पे जितने भी होता है ज्वलनशील कार्य होते हैं यहाँ पे, और सारे बिजली का कार्य है, और जितना भी यहाँ पे आग बिजली सभी चीज़ें इनके यहाँ पे उपयोग में लाई जाती हैं, तो थोड़ा सावधानी से इन कार्य को किया जाता है। और बच्चा बता रहा है कि यहाँ पर किस तरीके से मिट्टी का इसमें जो होता है, और जो सैंड होती है किस तरीके से इनमें उपयोग में लाई जाती है, किस तरीके के इसमें वर्क होते हैं, और किस तरीके से इनको यूज किया जाता है, ताकि एक हम किसी आकृति को नया आकार दे सकते हैं। तो ये पूरा कास्टिंग करके बताया जाता है यहाँ पर, देखिए, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर छात्र हमारा अभी अपने कॉलेज के जो स्टूडेंट्स आई हैं उनको बता रहा है कि यहाँ पे जो आपके जो कार्य होते हैं ये किस तरीके से यहाँ पे किए जाते हैं, किस तरीके से एक चीज़ को, वस्तु को, आकृति को एक सांचे में कैसे ढाला जाता है, किन किन चीज़ों को उपयोग किया जाता है, और उन सारी चीज़ों को उपयोग करने के बाद कोई चीज़ किस तरीके से बनती है, वो इन छात्रों को बताया जा रहा है अभी हमारे स्कूल के छात्रों के द्वारा, जो इनको सिखाया गया है इनके अध्यापकों के द्वारा, ये अभी छात्रों को बता रहे हैं। और अभी देखिए सारे बच्चे काफ़ी अच्छे से इन बात को सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे एक जो भट्टी है, अभी ये नई नई तैयार की गई है, और इसी में देखिए आप जो देख रहे होंगे, ये इसी में ही सांचे को गलाया जाता है, जो भी एल्युमिनियम होता है उसमें गलाया जाता है, और इसी भट्टी से हवा दे करके और उसको गर्म करके चीज़ों को पिघलाया जाता है। तो अभी बच्चे देखिए, मेरे पीछे बच्चे जो देख रहे हैं अभी, आप देखिए अभी छात्र इनको कुछ बता रहे हैं, अभी नई चीज़ें बता रहे हैं, और ये भी बच्चे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, थोड़ा हल्ला भी कर रहे हैं, बट बच्चों को उत्सुकता है मन में सीखने की,
और यहाँ पे देखिए अभी गर्ल्सों को भी बताया जा रहा है किस तरीके से मशीनें किस तरीके का वर्क करती हैं, तो ताकि गर्ल्स भी अपने क्षेत्र में आगे जाके अपना नाम करें और जो भी बच्चा हमारे पॉलिटेक्निक करने आएगा तो उसको पूरी अच्छी तरीके से यहाँ से सेटिस्फेक्शन और जानकारी दी जाएगी, मशीनों से रूबरू कराया जाएगा किस तरीके से यहाँ पर मशीनें वर्क करती हैं, क्या इनके कार्य होते हैं, ताकि बच्चा एक अच्छा डिप्लोमा प्राप्त करके एक जूनियर इंजीनियर के तौर पर यहाँ से जा सके। बच्चों ने उत्तराखंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन करणपुर रामनगर में विजिट किया है, तो उस विजिट में आज बच्चों को सारी टेक्निकल क्षेत्र की जानकारी दी गई है ताकि वो अपने भविष्य को आगे जाकर उज्जवल कर सकें और यहाँ से डिप्लोमा वगैरह करके अपना डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद वो अपना किसी अच्छे क्षेत्र में टेक्निकल के क्षेत्र में जा सकते हैं। तो यही आज बच्चों को जानकारी दी गई है यहाँ पर छात्रों के और अध्यापकों के द्वारा, और कुछ उनके छात्र और कुछ बच्चों ने काफ़ी यहाँ पर जानकारी प्राप्त करी है, सवाल भी पूछे और उनके क्वेश्चन भी और उनके आंसर भी उनको दिए गए हैं, तो जिससे कि वो सेटिस्फाई हैं और अपने क्षेत्र में आगे जाके अपने अच्छा नाम करेंगे। हमें यही शुभकामनाएं और उन बच्चों को हम यही शुभकामनाएं देते हैं कि अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं और एक अच्छी कामयाबी हासिल करें। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।